नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं जॉब शोर टायर वन 2017, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 2017 के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन कोर्स है ये। और उस ये एक डे वाइज प्रोग्राम है। जॉब शोर जहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है डे वाइज प्रोग्राम, प्लान सिस्टमेटिक साइंटिफिक लाइन। और जिन्होंने पहले प्रेजेंटेशन देखी है जॉब शोर टायर वन की, उसमें हमने जिक्र किया था कि कई टाइप के इसमें स्टूडेंट होते हैं। मैं उस प्रेजेंटेशन से एक स्लाइड वापस ला रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम जो टाइप है वो क्यों ऐसा करते हैं कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, या हर अलग अलग जो टाइप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी क्यों होनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टायर वन, टाइप वन। टाइप वन वो स्टूडेंट होते हैं जो कि उनको दिशा नहीं मिल रही, हाईली डिमोटिवेटेड, मिसमैनेज्ड, फोकस नहीं होते, हर तरह के एग्जाम भरते हैं और वो कभी एग्जाम दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। टाइप टू स्टूडेंट वो जो फ्रेशर होते हैं और 2017 में चांस लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम वो एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस कवर नहीं है, गाइडेंस चाहिए, स्टडी कंटेंट चाहिए और उनको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट चाहिए। टाइप थ्री वो स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या कोचिंग भी ले चुके हैं, लेकिन अभी स्कोर इतना नहीं बन पा रहा है, टाइम लग रहा है। और टाइप फोर वो स्टूडेंट होते हैं थोड़ा और ज़्यादा मेच्योर हैं, हो सकता है एक दो बार साल, दो बार तीन बार एग्जाम भी दिया हो, लेकिन इतना स्कोर नहीं आ पा रहा है, कहीं कहीं वो अटक रही है उनकी बात। और टाइप फाइव वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी टायर वन क्वालिफाइड, टायर टू लगभग क्वालिफाइड, या वो थोड़े बहुत नंबर से रह गए, जिनका स्कोर 400 के आसपास है, उनको टाइप फाइव बोलते हैं हम लोग। और टाइप सिक्स जिनके पास कम टाइम होता है, वर्किंग प्रोफेशनल। तो हर टाइप के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हम एक अलग स्ट्रेटजी उनको बनाकर देते हैं, जिससे कि अगर वो उनके ऊपर फोकस करते हैं तो उनकी प्रिपरेशन का लेवल है बहुत अच्छा बने, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर टाइप की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रेजेंटेशन है वो टाइप फाइव स्टूडेंट के लिए है कि उनकी प्रिपरेशन का डे वाइज शेड्यूल है जो हमने डिजाइन किया है, वो हम लोग आपके सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी समझ में आ जाए और जिन्होंने जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके दिमाग में भी क्लैरिटी हो कि वो कैसे कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करना चाहते वो भी अपनी एक मोटे तौर पे एक आइडिया दे सकते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी होता है कि हर टाइप का स्टूडेंट होता है उसको एक अलग स्ट्रेटजी बनाए वो, और उसके अनुसार वो प्रैक्टिस कैसे करे। तो उस लिहाज से उस स्टूडेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है चीज़ों को समझने के लिए। जो टाइप फाइव स्टूडेंट हैं हम उनको बोल रहे हैं जिन्होंने कि 400 के आसपास स्कोर किया है 2016 में टायर वन और टायर टू में, या क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है तो 5% की डेविएशन हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे एक अंदाजा हो जाता है कि मेरा स्कोर कितना आएगा। ये वो स्टूडेंट होंगे जिनको कि सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। दोज रजिस्टर फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम उनको शामिल करेंगे जिन्होंने कि पहले ज्वाइन किया है और वो जो 400 मार्क्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब जो फ्रेशर है या इतना स्कोर नहीं कर पा रहा है, जिनका टायर वन क्लियर नहीं हुआ, वो इस टाइप के स्टूडेंट वो एक्चुअल में फिलहाल नहीं है। जो टाइप फाइव है, जो हमारा प्रोग्राम है इससे रिलेटेड, जो बच्चों टायर वन टाइप फाइव से रिलेटेड, उसमें गोल रखा गया है कि वो एग्जामिनर, जिसमें कि हाईएस्ट मेरिट जाने की संभावना होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे में भी ज़्यादा जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं, क्योंकि हर राज्य के स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रेफरेंस देखने को मिली है। स्पेशली अगर मैं हरियाणा या यूपी इसके आसपास, दिल्ली के आसपास बात करूँ तो ये लोग एग्जामिनर इनकम टैक्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल देखें तो एक्सटर्नल अफेयर्स या रेलवे में भी बहुत सारे मेरिट जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो इसका मकसद होगा टाइप फाइव का, वो इस जॉब को टारगेट करना होगा, क्योंकि 400 का स्कोर ऑलरेडी ये स्टूडेंट कर रहे हैं। 2017 में उनको इसमें पॉलिशिंग करनी है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। 2018
टू शार्पन देयर एबिलिटी टू टॉप इंडिया इन एसएससी सीजीएल 2017। इन स्टूडेंट्स में पूरा पोटेंशियल होता है कि वो ऑल इंडिया लेवल पे रैंकिंग हासिल करें। टॉप 50 में आ सकते हैं, टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 100 में आ सकते हैं, क्योंकि 400 स्कोर ऑलरेडी किया हुआ है। अब इनमें आगे हल्का हल्का चेंज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए इस स्टेज तक पहुंचाना है। ये हमारे प्रोग्राम का भी मकसद है और उन स्टूडेंट का भी मकसद होना चाहिए जो इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को फिट समझते हैं। हाई लेवल कॉम्पिटिशन अमंग ऑलमोस्ट इक्वल कैंडिडेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आप अपने ही टाइप के स्टूडेंट के साथ मुकाबला करेंगे तो ऑब्वियसली हिट फील होगी। मतलब कि मुकाबला मजा तभी आएगा जब आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ मुकाबला करेंगे और आपको पता होगा कि मेरे पीछे लगा हुआ है ये, और अगर मेरी रैंक नीचे जा रही है तो इसका मतलब कि मुझे एक्शन लेने की जरूरत है। मॉनिटर फीडबैक फॉलोअप रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इस प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपके पास डेली MIS अपडेट की जाएगी, जो आप टेस्ट देंगे डेली टेस्ट होते हैं और फीडबैक दिया जाएगा कि आप इस MIS के माध्यम से कि आप कहां पे टिक रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स टॉप करेंगे जिस दिन, उस दिन उसको 100 रिवार्ड पॉइंट होंगे। 100 रिवार्ड पॉइंट मींस 1 रिवार्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। मॉनेटरी रिवार्ड होना इस प्रोग्राम की एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, और जितने भी टाइप के प्रोग्राम हमारे सभी में मॉनेटरी रिवार्ड है। तो टाइप 5 जो स्टूडेंट है, दे हैव नॉलेज, दे हैव एबिलिटीज। अब हमारा काम यह है या उनका काम यह है कि इस नॉलेज और एबिलिटी को एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, जिससे कि टॉप 10 में ऑल इंडिया लेवल पे रियल एग्जाम में 2017 में या टॉप 50 तक उनकी पोजीशन हो। दे नीड इन्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन विच वी विल प्रोवाइड, और ये सीधा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट होंगे। दे नीड मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस, सो इसलिए इनको मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा और हमारे पास एक बैकअप टीम होगी जो इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। दे नीड बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। जब तक कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं किया जाए तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को जज करना कि वो किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि असल में आपका टेस्ट तभी माना जाएगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट दे रहे हैं। वरना जब आप सिर्फ PDF का यूज करते हैं या किताब का यूज करते हैं तो एक्चुअल में वो उस इन्वायरमेंट कंडीशन में टेस्ट होता नहीं है, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी कोई खास ज़्यादा होता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो प्रैक्टिस से Tier 1 क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब तक पहुंचना है, ऑल इंडिया टॉप करना, वो एक मुश्किल काम होगा। तो दे नीड रिविजन प्रैक्टिस विद लाइक माइंडेड एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव होगा। जैसा कि आप जानते हैं जो भी शोर टाइप 5 प्रोग्राम है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7-स्टेप लर्निंग प्रोसेस होता है, और ये लगभग जो हमारे टाइप ऑफ प्रोग्राम डे वाइज शेड्यूल है जो भी शोर का, उसमें इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। फर्क कहाँ पे होता है, फर्क ये होता है किस दिन किस टाइप को क्या सिलेबस देना है, या जो टेस्ट है वो कितने टेस्ट उसको करवाने हैं। अगर वो फ्रेशर है तो ऑब्वियसली उसके सिलेबस पे ज़्यादा फोकस होगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा, और अगर वो टाइप 5 है तो इसका मतलब उसके स्पीड और उसकी जो प्रैक्टिस है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो पहले होगा कि वो जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उसने वो रिवाइज करे, बेसिक उसको दोबारा एक बार रिविजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि जब आप बेसिक रिविजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई 1-2 नंबर की कमी रहने की संभावना हो सकती है। और क्योंकि अभी टाइम है तो ये संभावना बिल्कुल भी आपके पास है, वो आप खाली नहीं जाने दें उसको। तो बेसिक और वैरायटी क्वेश्चन है उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाने की जरूरत होती है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे मैथ हुआ, मैथ में 400 क्वेश्चन होते हैं, जो वैरायटी क्वेश्चन होते हैं उस पर जबरदस्त कमांड होनी चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अप्लाई कॉन्सेप्ट जो आपने इसमें सीखे या ट्रिक्स जो आपने सीखी या आपने खुद डेवलप की उसकी एक्सरसाइज करना। तीसरी स्टेज जो थर्ड स्टेप, उसमें चैप्टर टेस्ट हर दिन जो शेड्यूल में होगा वो आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे 100 मार्क्स का चैप्टर वाइज। मतलब कि जैसे चैप्टर खत्म, जैसे हम आगे देखेंगे डे वाइज शेड्यूल जो बनाया हुआ है उसमें इसको ज्यादा समझने का मौका मिलेगा हमें। चैप्टर टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल। आप चैप्टर वाइज जब 100 क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप नंबर सिस्टम पे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप प्रॉफिट लॉस पे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो विद इन टाइम फ्रेम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 110 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं,
और उस दौरान आप जैसे लोग ही आपको कहां स्टैंड कर पा रहे हो उसमें, अगर ये आपको पता चले तो ऑब्वियसली क्या एक समय रहते एक्शन हो सकता है, और उस दौरान सारी वैरायटी भी आपको कवर करने का मौका मिलेगा। चैप्टर टेस्ट 100 क्वेश्चन ऑन ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, और उसके बाद फीडबैक एनालिसिस ए रैंक। जब आपके आपने टेस्ट खत्म किया उसके बाद आपकी रैंक आएगी, आपका एनालिसिस रिपोर्ट आएगी कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया, क्यों ज्यादा लिया, या कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, या किस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी, या किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका थोड़ा कमजोर है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। जब ये सारी चीजें आपको पता हो तो आप एक्शन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। टॉपर गेट्स 100 पॉइंट्स, जो स्टूडेंट टॉप करेगा उस दिन टेस्ट को वो 100 पॉइंट उसको लेगा। इस तरह से सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो चीजें होंगी टेस्ट पैटर्न पे आधारित होगी। हालांकि जितने भी हम लोग जो बिशोर टायर वन के प्रोग्राम हैं वो उनमें जो टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल का रोल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक आप उस लेवल तक की तैयारी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉलेज बढ़ाना एक मकसद नहीं हो सकता, जॉब लेना यहां पे मकसद होगा। जब ये सारी चीजें होगी तो उसके बाद दंगल 90, दंगल 90 है वो 90 टेस्ट, फुल एंड टेस्ट सारे सिलेबस से विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। जब आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस का लेवल होगा ये बहुत उच्च स्तर का होगा, और उसमें आप ऑल इंडिया लेवल पर रैंक लाने की एबिलिटी रखेंगे। फिर हम अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो डे वाइज प्लान बनाया हुआ है टाइप फाइव के लिए उसमें किस तरह से बनाया हुआ है और किस तरह से टेस्ट होंगे। जैसे ही कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसको एक ईमेल आएगी, और ईमेल के बाद ईमेल में उसको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा, और जैसे वो रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेगा इसे तो यहां पे उसको अपनी डिटेल फिल करनी है, उसको अपना फोटो अपलोड करना है, उसके बाद ये डेट डिटेल फिल करनी है जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन कहां से है, मोबाइल नंबर, जिससे कि बाद में हम उनको कॉन्टेक्ट कर पाए, और टाइप कौन सी है, वो सारी इस तरह की जो फॉर्म होगा उसमें वो कंप्लीट करेगा। और जब ये कंप्लीट करेगा, सबमिट करेगा पूरी डिटेल इस आगे फॉर्म में, तो वो हमारे पास आ जाएगा उसका रिकॉर्ड, और उसमें उसने टाइप जो बता रही होगी उसके अनुसार उसको उसी तरह का स्टडी कंटेंट है भेज दिया जाएगा। और इस तरह की ईमेल आएगी, फिर उसके पास टाइप फाइव डे वाइज शेड्यूल यह लिंक होगा, इस लिंक पे क्लिक करना है, डे वाइज शेड्यूल लिंक फॉर फर्स्ट वीक दिस कार्ड इज लाइव। यहां पे हम इसके कार्ड के पीछे जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम हमेशा लाइव अपडेट करते हैं इसके ऊपर, मतलब कि जब हम अपडेट करेंगे आप कभी भी कार्ड खोलोगे तो लेटेस्ट चीजें आपको मिल जाएगी। दिस कार्ड इज लाइव, इट विल बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, वॉच फ्यूचर अपडेट्स, वीडियो गाइडेंस, पीडीएफ न्यूज ऑन दिस कार्ड, टेक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एज पर शेड्यूल, विन रिवार्ड्स, दोज हु विल टेक ऑल टेस्ट ऑफ पिनेकल नो बडी कैन स्टॉप देयर सिलेक्शन। क्योंकि हमने इतने टेस्ट हम करवा रहे हैं, 90 फुल एंड टेस्ट प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, तो आप सोच सकते हैं लगभग 150 से 200 आप जब टेस्ट करेंगे 2017 के टायर वन एग्जाम तक, तो आपका लेवल है 170 प्लस स्कोर करने का, वो आपका 100% बनेगा। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो ऐसे आपका ये खुल जाएगा, ये डे वाइज शेड्यूल ऐसे खुलेगा, और ये एक लाइव कार्ड है जिस पर कि हम लोग पीछे अपडेट करते हैं। इस तरह से लाइव कार्ड होगा, उसमें डे वाइज शेड्यूल, जैसे कि 27th को नंबर सिस्टम, एक दिन में एक सब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे कि वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करे और शाम को फिर वो टेस्ट दे, जैसे कि 27th को नंबर सिस्टम, उसके बाद 100 क्वेश्चन का टेस्ट शाम को, 110 मिनट का टाइम और 100 रिवार्ड पॉइंट्स, वो ऐसे देख सकता है। ऐसे करके पूरे जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, जैसे 28th दिसंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए से लेकर जे तक होंगे, 100 क्वेश्चन, 20 मिनट्स का टाइम और 100 रिवार्ड पॉइंट्स। ऐसे फिर थर्सडे को 29th को इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री, आप जिस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे वो टॉपिक आपके सामने उसी तरह का वीडियो खुल जाएगा, जैसे अगर आप इस टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो इसका फिर आपके सामने वीडियो खुलेगा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो खुलेगा, जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं ये वीडियो इसका ऐसे खुल गया। अब उस दिन से रिलेटेड ये चीजें आपको पढ़नी है, अब आप इसके आगे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये वीडियो खुल जाएगा, ये वीडियो खुल गया, आप इस वीडियो को ऐसे देख सकते हैं।
इसका मतलब हर दिन आपके सामने है वो प्रोग्राम आएगा और आप इसको फिर देख सकते हो। ऐसे अगर कि आप दूसरे टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो ऐसे उसके सामने आपके सामने ये वीडियो खुलेगा। ऐसे ही अगर आप किसी और टॉपिक पे भी क्लिक करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है वो चैप्टर खुलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपके सामने खुल जाएगा। मतलब आपकी आपका टाइम खराब नहीं होगा और क्लास आपके सामने होगी। ऐसे ही आप चाहे वो रीजनिंग का हो टॉपिक, मैथ का हो, जीके का हो, इंग्लिश का हो, ये सारे टॉपिक आपके सामने ऐसे खुलते जाएंगे। और अगर आप पीडीएफ को खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ भी आप खोल सकते हैं और एक मास्टर लिंक भी है। आप सारा अगर सारे जितने वीडियो आप देखना चाहते हैं, इकट्ठे डाउनलोड करना चाहते हैं, सारे वीडियो डाउनलोडेबल फॉर्म में है। इसका कोई यूट्यूब के साथ कोई लेना देना नहीं है या पिनेकल की वेबसाइट के साथ कोई लेना देना नहीं। यह हमारी टीम ने इंटरनली ही डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है जिसमें कि आपको सीधे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं ईमेल के माध्यम से, और इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है और हमारी टीम स्पेशल टीम लगी हुई है मोबाइल टेक्नोलॉजी और बाकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है बेटर कोचिंग के लिए, वो और भी चीज़ें प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये पूरे वीडियो है आपके सामने खुल जाएगा, इस तरह का कार्ड आपके सामने आ जाएगा। और ये आप अगर आपको टेस्ट पोर्टल पर जाना है, सीधा यहाँ पर टेस्ट पोर्टल का लिंक बना हुआ है, आप सीधा टेस्ट पोर्टल पे जा सकते हैं, आपको टेस्ट देना है। अगर मैथ के सारे वीडियो देखने हैं, रीजनिंग के सारे देखने हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके सामने फिर आप आएगा, आपके सामने आएगा कि कौन से लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कौन सा चैप्टर खुल जाएगा। तो इसका मतलब कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी, एक मुट्ठी में होगी और आपकी ईमेल पे होगी। आप इसका मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेस्ट पोर्टल पे जाना है तो आप सीधे जा सकते हैं, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा और डिवाइस टेस्ट इस पे जाकर आप दे सकते हैं। तो ये जो सारी फैसिलिटी है वो एक आपके क्लिक के साथ ही होगी। आप जब देखेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई चैप्टर देखना है या फिर इकोनॉमिक्स का देखना है या आपको टेस्ट सीरीज, यहाँ पे टेस्ट सीरीज, उसके बाद करंट के वीडियो बनेंगे, करंट जीके वीडियो बनेंगे, स्पोर्ट्स के भी वीडियो बनेंगे, बहुत सारे वीडियो, लगभग 1000 के आसपास वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं और उसके अलावा भी वीडियो बनने हमेशा बनते रहेंगे। तो इस तरह से हर रोज टेस्ट अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज देखिए, ऐसे आपका टेस्ट बने हुए हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नाउन है, नाउन पे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। अब 100 क्वेश्चन अगर आप नाउन पे करेंगे, टेस्ट पोर्टल पे करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद, पीडीएफ देखने के बाद में, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रॉस चेक कर दिया गया है। ऐसे उसके बाद जो दंगल की सीरीज होगी स्टार्ट, जो फुल लेंथ टेस्ट है उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन होंगे, और ये डिवाइस जो पीछे आगे दिए हुए हैं ऐसे करके 876 कोड, 877, 878, ऐसे करके, और आखिर में हर रोज़ दो तीन टेस्ट करने हैं, हर रोज़ दो तीन टेस्ट करने, क्योंकि एक टेस्ट है 75 मिनट का होता है। तो आप अगर 7-8 घंटे की प्रिपरेशन करते हैं और इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी पोजीशन को हासिल करने के लिए, बहुत अच्छी पोजीशन को हासिल करने के लिए। और आपका मकसद है, अगर आप इस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, इस 400 वाले जो रेंज है जिसमें मार्क्स आपने टायर 1 टायर 2 में किए, तो आप अपना जो टारगेट है, अगला लक्ष्य है वो 400 नहीं, आपको 500 से ऊपर का लक्ष्य रखना होगा, जिससे कि इंडिया के जो टॉपर्स हैं उसमें आए और आपको अपनी मनचाही पोस्ट मिल पाए। ये इसी प्रोग्राम का लक्ष्य होगा और ये इसका टाइप 5 का मकसद है। ऐसे ही जो प्रोग्राम है वो दूसरे स्टूडेंट के लिए टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 6 सबके लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें डे वाई टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ
और विद इन आपके क्लिक के अंडर हो, जिससे कि आपका आने जाने में कहीं टाइम खराब ना हो, और जहां पे भी बस में हो, रेलवे में हो, या रेल पे हो, आप एरोप्लेन में हो, कहीं पे भी आप बैठकर ये देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का मकसद है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी कि आपको कहां से ज्वाइन करने के बाद कैसे कैसे ऑपरेट करना है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारी SSCCGL की वेबसाइट पे जा सकते हैं, SSCCGLPinnacle.com, और उस साइट पे जाने के बाद आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट SSCCGL 2000। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।